दोस्तों कैसे आप लोग। मेरा नाम है ऋतिक, आप देख रहे कुछ नया सिक्योरिटी। तो जैसे कि इंटरफेस में देखी चुकी होगी कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो आज मैं बात करूँगा सैमसंग गैलेक्सी J7 के बारे में कि आप लोग किस टाइप से अपने सैमसंग गैलेक्सी J7 को आप लोग ओरियो में चेंज कर सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे आप लोग को फीचर्स भी एंड लुक भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करते पहले बता दो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार तो प्लीज़ यहाँ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं रोजाना आप लोगों के लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ यहाँ सब्सक्राइब करो और उस बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो मेरी वीडियो की। एंड यार वीडियो पसंद प्लस लाइक करना तो बिल्कुल ना भूले। और ज़्यादा हवा चल रही है तो उसकी वजह से मेरी आवाज़ आप लोग क्लियर नहीं सुनाई देगी, बट उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए बात करते टॉपिक की। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, सबसे पहले जो मेरी वीडियो दिख रही है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया उस पर आप लोग क्लिक करिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, जो कि 6 से 7 MB की एप्लीकेशन है। तो काफ़ी जल्दी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसे ओपन करके दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को क्या क्या चीज़ फॉलो करना पड़ जाते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो काफ़ी आसानी से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा उसे। एंड उसे ओपन करने के बाद कुछ टाइप का आप लोग को इंटरफेस यहाँ पे नजर आ जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ हेलो ओरियो, एंड बात करेंगे जो ऊपर दिखा रहा है डॉट का, जो तो जो कि स्टार्ट का बटन, उस पर अपन क्लिक करेंगे। स्टार्ट का बटन क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली जो आपका फ़ोन है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग का फ़ोन है ऑटोमेटिकली चेंज होता है। इन एप्लीकेशन की भी यहाँ पे थंबनेल कुछ अलग टाइप के यहाँ पे नज़र आ जाते हैं। तो इस टाइप से आप लोग अपने J7 को आप लोग ओरियो में चेंज कर सकते हैं। बात करेंगे सेटिंग की, तो सेटिंग में भी आप लोग काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर चेंजेस नज़र आ जाते हैं। जैसे आप लोगों की जो सेटिंग है ऑटोमेटिकली चेंज हो चुकी है। एंड बात करेंगे सिस्टम की, तो सिस्टम में भी आप लोगों को यहाँ पे कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। जैसे कि अबाउट फोन में आप लोग देख सकते हैं कि 8.0, जो कि आप लोगों को पता ही होगा कि 8.0 जो है ओरियो का अपडेट है। एंड बात करेंगे इसके कुछ कुछ सेटिंग को पे क्लिक करके, तो जैसे कि बैटरी पे आप लोग क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का अलग टाइप का इंटरफेस आ जाता है, जो कि पहले अलग टाइप का इंटरफेस आता था। एंड बहुत सारे आप लोग को यहाँ पर बदलाव भी मिल जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे आप लोग बदलाव है। आप लोग जब भी किसी एप्लीकेशन में डाउनलोड करेंगे तो आप लोग को बहुत सारे ओरियो के बदलाव यहाँ पर नज़र आ जाते हैं। तो करता हूँ सब्सक्राइब करो, और जो भी डाउट होगा कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना के आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। जय माता दी।